सादे दे देते हो पल्ली चना और हलवा। मैं न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के न्यू लेटेस्ट ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग पिछले देखा कि अष्टमी के दिन गए थे जागरण में, और जागरण में मचाई थी उर्मिला राज ने धूम। तो आज है चैत्र रामनवमी का 10वां दिन, और हमारे यहाँ खिलाई जाएंगी चैत्र रामनवमी की 9 कन्याओं का। बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को आप पे सेट करिए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैसे नवरात्रि में लड़कियों को खुलाया जाता है, कैसे मेरी माँ मेरी बहन खिलाती हैं। भाई देखो आ गया, ये लड़की है ना? हाँ लड़की है, चाहिए। हाँ ये देखिए बाबू बाबू बहनी, क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धि। तुम्हारा नाम? हाँ चल, देखिए यहाँ पे तीन लड़कियाँ हो गई हैं, दो भैरव बाबा। आई देखो तुम्हारा क्या नाम है? ए दुड़िया, इसका नाम हम गुड़िया रखे हैं, बनाल इसका रिद्धि नाम है। अब इसको भी जगह देते हैं। तुम्हारा क्या नाम है जी? हाँ पालक। तुम्हारा? मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम है तुम्हारा? परी। तुम्हारा? आदिति। और तुम्हारा जी क्या? लड्डू। तो हमारे यहाँ 9 कन्याएं अब आ चुकी हैं, और सबको प्लेट दे दिया चुका है। इधर प्लेट देखिए, कुछ अलग तरीके से, यहाँ अलग मॉडल है। आह क्या बात है, नए मॉडल में। क्यों चाची? नए मॉडल में। इसको बैठने के लिए जगह देते हैं हम, सबसे बड़ी। अरे तो किया दोनों गुड़िया अच्छा। यूट्यूब पे शेयर चैनल बता दीजिए। चंदन हरियरपुर के सीनों में आ जाना। मम्मी बड़ के अम्मा हम गोरा अनुआ आलू का सो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब नौकन्याएं आपके घर में आती हैं तो उनका सबसे पहले तिलक लगाया जाता है उनके ललाट पर, और ललाट पे पहले तिलक लगाने के बाद उनके जो है सर पर आप कोई शुद्ध तेल रख सकते हैं। वैसे नारियल का तेल अच्छा रहेगा। तो मेरी सिस्टर जो है सिद्धि को लगा दिया, और उसके सर पे प्यारी बच्ची है। पिछले नवरात्रि में भी इन लोगों को माता जी का प्रसाद दिया गया था, और हमारी जो बहन है सबके सर पे तेल और चंदन लगाया जाता है। ये एक शुभ माना जाता है कि ये जो बाल कन्याएं हैं, ये जो कुंवारी लड़कियां हैं, छोटी छोटी कुंवारी नहीं, छोटी छोटे बच्चे हैं, बाल स्वरूप माँ दुर्गा के स्वरूप हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप मान करके इन नौ कन्याओं को खिलाया जाता है, और इन नौ कन्याओं को खिलाने के बाद जो सुख की प्राप्ति होती, जो आनंद मिलता है, उसका इस मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारा ये सनातन धर्म इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि इसको करने में बड़ा आनंद की अनुभूत होती है। और इन नौ कन्याओं में जब कन्याएं लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है कि किस तरह से इन लोगों का विदाई, किस तरह से विदाई बहुत अच्छा होता है।
ये नौ कन्याएं जब बड़ी होंगी इतनी अपने आप को याद करेंगी। और मम्मी ने इधर अब सभी बच्चियों को पूरी चना और हलवा प्रसाद दे दिया। क्यों पल्ली? हाँ चलो सभी लोग प्रसाद पाओ। चैत रामनवमी का आज अंतिम दिन और नव दुर्गा सभी प्रसाद पा रहे हैं। तो दोस्तों इधर मेरे जो चाची हैं ये छोटी सी गुड़िया के बारे में बताना चाह रही हूँ। तुम तो चम्मच खा रही हो जी। अरे भगवान दया तो देखा करोड़ खा लो खा लो खा लो दुड़िया ए दुड़िया दुड़िया खा टाटू। क्या चाहिए दीदी? सबको चुनरी के स्वरूप सर पे बांध रही हैं। वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। सबसे सुंदर बच्ची ये है बीच में दुड़िया रानी प्रेम से बैठ के तुम खा लो। चिद्दी डाल आइयो जल्दी। सो दोस्तों इन सारी जो इधर इस साइड में जो लड़कियां बैठी थी कन्याएं जो बैठी थी इन सभी का मेरी सिस्टर ने हाथ धुल करके उनको फल दक्षिणा प्रसाद दे करके विदाई कर रही हैं। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो कन्याएं हैं आज दुर्गा माँ स्वरूप हैं और हमारी सिस्टर इन सभी को हाथ में फल और दक्षिणा देने के बाद इनका पैर छुए आशीर्वाद ले रही हैं और ये दुर्गा स्वरूप आशीर्वाद दे भी रही हैं। सभी लोग बैठे बैठो चलो। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा नहीं वो नहीं वाली है मिलेगा सबको लो तुम लोग को बिल्कुल
आइसक्रीम ले चलो, बाहर चलो। गिराना नहीं, ठीक है? गिराना नहीं, जाओ लड्डू, पैसा तुमको दे रहे हैं, रुक जाओ, चलो पकड़ो, चलो पैसा दे तुमको, बाहर दे, आओ आओ, और तुम पैसा दे। तो दोस्तों यहाँ सभी कन्याएं नौ कन्याएं खाना खा चुकी हैं, दो भैरव बाबा थे, देख सकते हो आप, प्लेट पूरी तरह से खाली है, सभी लोग बाहर बैठ गए। और दोस्तों अब सभी लड़कियां बाहर आ गई हैं, और एक बाबू जो है ये जो लाल टी शर्ट के बगल में, इसको भोजन यहीं कराया गया बाहर। देखिए लड्डू का पैर छू करके दीदी हमारी बाहर आ गई, और इस भैरव बाबा के नाम से जो बालक होते हैं उनको भैरव बाबा कहा जाता है, और दुर्गा जी कहा जाता है जो नौ लड़कियाँ होती हैं। और अब इनकी विदाई होगी, इनको मैं घर पे पहुंचा आता हूं। तो सारी लड़कियों को जो है मेरी माँ ने और मेरी बहन ने उन लोगों को चना हलवा और चुनरी देकर, चुनरी चना हलवा प्रसाद खिलाया, और साथ में चुनरी और उनको कुछ द्रव्य यानी कि दक्षिणा, और साथ में कुछ फल दिए, और उन नौ कन्याओं से को भोजन करा कर के तृप्त किया, उनसे आशीर्वाद लिया। हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में क्या है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके जो लड़कियां होती हैं, उनको दुर्गा स्वरूप माना जाता है, उनको पैर छुआ जाता है, ऐसा हमारे यहाँ नव दुर्गा जो माना गया है, उनको दुर्गा के स्वरूप माना गया है बच्चियों को, तो ऐसा हमारे यहाँ होता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे बच्चियों को क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है, और ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर।